नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। भंडरिया से हमारे संवाददाता इरशाद आलम की रिपोर्ट। वन विभाग मौन, हाथी के उत्पात जारी। गढ़वा जिले के अंतर्गत भंडरिया मुख्यालय एवं वन विभाग कार्यालय के समीप ही हाथी के द्वारा उत्पात मचाया गया और वन विभाग मौन रहा। आपको बताते चले कि भंडरिया क्षेत्र में आए दिन हाथी के बहुत बड़ा कहर किसानों के ऊपर गिर रहा है। हाथी के उत्पात से किसानों के फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बीते दिन सोमवार को भंडरिया प्रखंड क्षेत्र के खजरी में खलिहान में रखा धान खाकर चट कर दिया। वहीं मंगलवार रात्रि भंडरिया के मिशन टोला में सफिया करकेट्टा के 100 बोझा धान खा गया एवं अगल बगल पूरा छीट छाट कर बर्बाद कर दिया। हाथियों की संख्या 8 से 10 की संख्या में बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथी के इस आतंक से ग्रामीण बहुत ही आहत हैं। मैं सफिया करकेटा, पति सलमान करकेटा, ग्राम भंडरिया पोस्ट थाना भंडरिया गढ़वा जिला गढ़वा झारखंड के रहने वाली हूँ। हम लोग गरीब परिवार से हैं, हम लोग 6 परिवार हैं। जमीन नहीं रहने के कारण हम लोग अंधिक बंधिक कमाते हैं। बंधिक प्रबंध में लिए थे, वहाँ से हम लोग 125 बोझा खनिहार में लाए थे और रात में करीब 2 बजे हाथी ने हानि कर दिया, खाया और पूरा बर्बाद कर दिया। और उधर नदी है, उधर तरफ उधर भी लेके चल गया। हम लोग का विश्वास है कि वो फिर से आएगा और ये पूरे बर्बाद कर देगा। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज। तो हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।